मंडियों से निकलने वाले गीले कचरे से नगर निगम 2018 के बायो सीएनजी बना रहे हैं। देवी अहिल्याबाई सब्जी मंडी में एक कंपनी के साथ निगम ने बायो सीएनजी प्लांट लगाया है। यहाँ 20 टन गीले कचरे से रोज 800 किलो गैस बनती है। कबीरखेड़ी में निगम के प्लांट में रोज 15 टन गीले कचरे से 600 किलो गैस बनती है। चोईधराम सब्जी मंडी स्थित बायो सीएनजी स्टेशन से रोज 8 और कबीरखेड़ी गैस स्टेशन से 6 सिटी बसें चल रही हैं। निगम को इन बसों में लगने वाला गैस का पैसा बचने लगा। वहीं कुछ निजी बस मैजिक ऑटो वाले भी गैस रिफिल करवाते हैं। इस तरह साल में 25 लाख से ज़्यादा की आय होने लगी है। निगम गीले कचरे के लिए देवगुराड़िया स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड में 200 टन का प्लांट लगा रहा है। इसके लिए टेंडर हो चुका है। एक साल में 200 टन क्षमता वाला प्लांट लगना शुरू हो जाएगा। इससे खाद के बजाय सीधे गैस बनने लगेगी। इसके अलावा एक और प्लांट की प्लानिंग चल रही है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.